नॉलेज लीड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाइए टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हम बहुत ही कमाल की चीज देखने वाले हैं एक्सेल 2016 में, बल्कि आप अगर 2010 या फिर 2013 यूज करते हो तो ये ट्रिक जो है वो ट्रिक आपको आना ही चाहिए। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है। डैशबोर्ड कहाँ काम आता है, जहाँ पे MIS होता है, जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, वहाँ पे अगर आपको समझो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ सपोज आपको अलग अलग रिपोर्ट्स इसमें से बनाना है, समझो मंथ वाइज बनाना है, रीजन वाइज बनाना है, डीलर वाइज बनाना है, स्टेट वाइज बनाना है, और उनको हर एक फिल्टर लगा के उसमें से कैटेगरी वाइज बनाना है, तो बहुत सारे इतने प्रेजेंटेशन के आपके स्लाइड बन जाएंगे। और उसमें से आपको प्रेजेंटेशन देते वक्त कहाँ पे कौन सा रिपोर्ट है, कौन सा कहाँ पे है, आप बहुत ही हैरान हो जाओगे। लेकिन आप एक्सेल में एक सिंगल फाइल में सिंगल क्लिक के ऊपर आप अपना इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हो। इसके लिए आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ कि इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, बल्कि इसमें से आप इसमें जो जैसा चाहिए वैसा आप इसमें से फिल्टर लगा सकते हो, वैसा रिपोर्ट आपके सामने बन जाएगा। समझो अभी मुझे चेन्नई का रिपोर्ट देखना है, तो मैं यहाँ पे चेन्नई के ऊपर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली सिर्फ चेन्नई का रीजन मुझे दिखाई देगा, गुजरात के ऊपर किया तो गुजरात, महाराष्ट्र के ऊपर किया तो महाराष्ट्र का, और तमिलनाडु के ऊपर किया तो तमिलनाडु। वैसे मैं प्रोडक्ट वाइज भी देख सकता हूँ, मैंने समझो होम प्रोडक्ट सिलेक्ट किया तो यहाँ पे होम प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे दो सिलेक्ट करना है तो मैं दो आइटम भी इसमें से सिलेक्ट कर सकता हूँ। इससे इस तरह आप अपना ग्राफ जो है वो इंटरैक्टिव बना सकते हो, जैसे चाहिए वैसे आप इसमें से रिपोर्ट निकाल सकते हो। उसमें कुछ आपको अलग अलग फाइल्स या फिर अलग अलग स्लाइड बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही सिंगल फाइल में आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो दोस्तों आज हम यही देखेंगे कि ऐसा इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कैसे बनाया जाए, और इसमें कौन से ऑप्शन आज यूज करने वाले हैं ये भी हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं नॉलेज लीड चैनल। दोस्तों आपके सामने ये रो डेटा है, ये रो डेटा में आपको सीरियल नंबर, डेट, यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा है, आपको प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका रीजन, उसका स्टेट, डीलर कौन है, उसका टोटल सेल कितना हुआ है, और उसका अमाउंट कितना उसने प्रॉफिट या फिर उसने कितना कमा लिया है। इतना मेरे पास रिपोर्ट है, लगभग 1294 इतने रिकॉर्ड्स है। हर एक रिकॉर्ड में आपको अलग अलग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में उसमें कौन से रीजन का है, कौन से स्टेट का है, कौन से डीलर ने उसको सेल किया है, और कितना टोटल उसमें से क्वांटिटी सेल हुआ है, और कितना उसको नफा हुआ है, वो कितना उसको प्रॉफिट हुआ है, ये यहाँ पे दिखाता है। तो ये रिपोर्ट का आपको रो डेटा का यूज करके हमें पहले डेटा बनाना है, हमें ऐसा इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाना है या फिर हमें एक डैशबोर्ड बनाना है। इसके लिए सबसे पहले मुझे डैशबोर्ड बनाने के लिए अभी समझो मुझे पहला क्या करना है कि मुझे मंथ वाइज डेटा निकालना है। मंथ वाइज डेटा निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें से इसको मैं पहले सिलेक्ट कर देता हूँ टेबल को। टेबल सिलेक्ट करने के बाद इसको मुझे मंथ वाइज डेटा निकालना है, इसके लिए मैं इंसर्ट पिवट टेबल कर देता हूँ। इंसर्ट पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद न्यू वर्कशीट के ऊपर हम जाएंगे, न्यू वर्कशीट, यहाँ पे मुझे मंथ वाइज डेटा चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे डेट यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। डेट इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे सिर्फ मुझे मंथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे मंथ रख देता हूँ, और मैं यहाँ पे कितना अमाउंट सेल हुआ है वो यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। ओके, सो अपना डेटा जो है वो यहाँ पे आ गया है। अभी मुझे जनवरी में इतना अमाउंट हुआ है, फरवरी में इतना हुआ है, मार्च में इतना हुआ है, ऐसा आपको हर एक मंथ का डेटा यहाँ पे आ गया।
अगर आपको सेल का करना है तो आप उसमें सेल भी इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपका सेल का प्रोडक्ट आ गया। और अगर सपोज आपको अमाउंट का करना है तो यहाँ पे अमाउंट, जैसे आपको रिपोर्ट निकालना है वैसे आप इसमें से रिपोर्ट बना सकते हो। अभी मुझे ये जो डेटा निकाला है ये डेटा के ऊपर अभी मैं इसको पहले पीवोट टेबल को नाम दे देता हूँ यहाँ पे मंथ वाइज। ये पीवोट टेबल को नाम दे दिया है हमने यहाँ पे मंथ वाइज डेटा। अभी अपना पीवोट टेबल जो है वो पीवोट टेबल में आपको डेट वाइज यहाँ पे प्रोडक्ट का सेल क्वांटिटी यहाँ पे आया है, सेल क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके इसके ऊपर मुझे क्या करना है, पहले एक चार्ट इंसर्ट करना है, कॉलम चार्ट इंसर्ट करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे एनालाइज में जाता हूँ, पीवोट टेबल के ऊपर क्लिक करना है और एनालाइज बटन के ऊपर एनालाइज टैब में जाना है। एनालाइज टैब में जाकर आपको पीवोट चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। पीवोट चार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कॉलम वाइज क्लस्टर कॉलम है ये चार्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके इसमें से इंसर्ट करना है। अभी अपने पास यहाँ पे चार्ट जो है वो आ गया है, इसको मुझे हटाना है। इसके लिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये मुझे टोटल नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसको मंथ वाइज सेल। मेरा यहाँ पे मंथ वाइज सेल जो है वो आ गया है। इसको मुझे कलर चेंज करना है तो इसका मैं फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ये देखो हो गया। अभी मुझे ग्रिड लाइंस जो है वो ग्रिड लाइंस हटाना है, इसके लिए मैं डिजाइन में जाऊंगा और यहाँ से ग्रिड लाइन इसको हटा दूंगा। मेरा यहाँ पे पहला जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बन गया है। अभी मुझे क्या करना है, ये जो डेटा है इसका मुझे डीलर वाइज डेटा बनाना है। इसके लिए मैं फिर से इंसर्ट प्योर टेबल क्लिक करूंगा, न्यू वर्कशीट के ऊपर लूंगा और मैं इसे डीलर वाइज डेटा भी बना देता हूँ। टोटल प्रोडक्ट सेल। इसको भी मुझे नाम देना है यहाँ पे डीलर वाइज डेटा। इसको मुझे इसके ऊपर भी मैं चार्ट इंसर्ट करूंगा। इसके ऊपर मुझे पाई चार्ट इंसर्ट करना है, इसके लिए मैं पाई चार्ट सिलेक्ट कर देता हूँ और ओके क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सेम थिंग जो हमने देखा था हाइड, मुझे ये जो है वो बॉटम में चाहिए, इसके लिए मैं इसको फॉर्मेट डिजाइन में जाऊंगा। डिजाइन में लेजेंड जो है वो मैं बॉटम के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसको नाम दूंगा डीलर वाइज सेल। मेरा ये एक चार्ट रेडी हो गया डीलर वाइज सेल। अभी मुझे क्या करना है, रीजन वाइज बनाना है, तो इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे आऊंगा इंसर्ट पीवोट टेबल मास्टर न्यू वर्कशीट। यहाँ पे मुझे रीजन लेना, रीजन ऑल टोटल प्रोडक्ट सेल। ये सेल का भी प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे पास आ गया, इसको भी मैं नाम दे देता हूँ रीजन वाइज सेल। इसके ऊपर हम पीवोट चार्ट इंसर्ट करेंगे, इसमें भी पाई चार्ट डालेंगे। हाइड ऑल, ये भी हम लेजेंड जो है वो बॉटम में डालेंगे और यहाँ पे हम इसको रीजन वाइज सेल ये नाम दे देंगे। अपना तीन जो रिपोर्ट है वो तीन रिपोर्ट अपने बन गए हैं। अभी जो लास्ट रिपोर्ट जो है वो मुझे स्टेट वाइज निकालना है, तो इसके लिए भी फिर से मैं
यहाँ पे मास्टर पे आऊंगा, टेबल ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड है, इंसर्ट व्यू टेबल न्यू वर्कशीट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं स्टेट वाइज रिपोर्ट जो है वो भी निकालूंगा। यहाँ पे मुझे अमाउंट चाहिए तो इसके लिए मैं अमाउंट डाल देता हूँ और इसको मैं स्टेट वाइज रेवेन्यू ये नाम दे देता हूँ, एंटर। ओके, इसके ऊपर एनालाइज के ऊपर चार्ट सिलेक्ट करके मैं इसे बार ऑफ पाई ये चार्ट इंसर्ट कर देता हूँ, इसको भी मैं पहले हटा देता हूँ। ओके, सो आ गया, इसमें हम स्टेट वाइज ये नाम दे देंगे। ओके, सो अपने पास तो डेटा आ गया है, इसमें अभी अपने चार जो चार्ट है वो चार्ट अपने बन गए हैं। अभी मुझे क्या करना है, एक डैशबोर्ड बनाना है। डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक न्यू वर्कशीट इंसर्ट करना है, इसके ऊपर हम रिनेम करते हैं डैशबोर्ड ये नाम दे देते हैं। ओके, सो अपना डैशबोर्ड बन गया। अभी ये मंथ वाइज सेल का जो चार्ट है उसको मैं कट करूंगा, कंट्रोल एक्स, उसको मैं कट करता हूँ और मैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो अपना डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे ये जो चार्ट है ये चार्ट मेरा आ गया। इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, सो मेरा डेटा यहाँ पे आ गया है। अभी मुझे बाकी के जो चार्ट है वो चार्ट भी यहाँ पे लाना है, तो मैं पहला डीलर वाइज सेल कट कर देता हूँ और डैशबोर्ड में लाकर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसका साइज थोड़ा मैं एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, सो अपना साइज जो है वो भी एडजस्ट हो गया, इसके नाम की वजह से इसको। ओके, इसको हम एडजस्ट करेंगे। ओके, उसके बाद हम अपना दूसरा जो है रीजन वाइज इसको भी हटा लेते हैं, कट, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। ओके, इसका भी ये हो गया। अभी जो तीसरा है इसको भी हम उठा लेते हैं, यहाँ से कट किया यहाँ से और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट किया, यहाँ पे हम उसको पेस्ट करेंगे। इसको हम थोड़ा एजेंट जो है वो बॉटम में लेके आते हैं ताकि हमारा प्रॉपर ये दिखे, इसको हम ऐसे होता है। ओके, सो अपना रिपोर्ट तो अभी बन गया है, लेकिन अभी ये इंटरैक्टिव नहीं हुआ है। इंटरैक्टिव करने के लिए मुझे क्या करना है, इसमें स्लाइसर इंसर्ट करना है। ओके, सो मैं पहले ये चार्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, एनालाइज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इंसर्ट स्लाइसर बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अभी मुझे यहाँ क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और प्रोडक्ट इंसर्ट करेंगे। ओके, सो अपना जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लेके आएंगे ऐसा। ओके, सो अपना प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया, इसका मुझे हेडिंग नहीं चाहिए, इसके लिए मैं राइट क्लिक करके डिस्प्ले हेडर जो है ये ऑप्शन हटा देता हूँ और इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं इसका। ओके, सो अभी ये कलर कॉम्बिनेशन भी इसका चेंज हो गया। अभी मुझे और भी स्लाइसर इसमें से इंसर्ट करना है, इसके लिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, एनालाइज और इंसर्ट स्लाइसर, ये रीजन वाइज है। इसको हम क्या करेंगे, डीलर को मुझे स्टेट को फिल्टर लगाना है, तो इसके लिए मैं स्टेट लेके आता हूँ
यहाँ पे रख देता हूँ और ये स्लाइसर सेटिंग में जाके यहाँ पे डिस्प्ले हेडर इसका निकाल देता हूँ और इसको हम स्लाइसर हो गया। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे रीजन भी चाहिए, तो इसके लिए मैं डीलर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और एनालाइज में जाके इंसर्ट स्लाइसर, फिर तो मुझे रीजन भी चाहिए तो रीजन के ऊपर भी मैं स्लाइसर लगा देता हूँ। ओके, ये तो अपना हो गया। ये मुझे नहीं चाहिए, इसके लिए मैं इसको भी डिस्प्ले हेडर जो है वो निकाल देता हूँ और इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, तो इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में जाके ये वाला कलर डालते हैं, इसको ऐसे रहने दो। ओके, सो अपना अभी डैशबोर्ड तो बन गया है, लेकिन अभी तक ये इंटरेक्टिव नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो एक ही जो पिवट चार्ट है इसके ऊपर चेंजेस हो रहा है, दूसरे के ऊपर चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली इसमें भी वैसे चेंजेस होने चाहिए, बल्कि हम यहाँ पे गुजरात के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चार्ट में चेंज हो रहा है, दूसरे चार्ट में चेंज नहीं हो रहा है। तो मुझे ये क्या करना है, कनेक्ट करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे नॉर्थ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो भी यहाँ पे मेरा एक ही चार्ट जो है वो चार्ट चेंज हो रहा है, दूसरा चार्ट मेरे ऊपर यहाँ से चेंज नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से मुझे क्या करना है, पहले ये जो स्लाइसर हमने डाला है वो स्लाइसर मुझे क्या करना है, कनेक्ट करना है, हर एक पिवट टेबल को कनेक्ट करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शन करके ऑप्शन है, या फिर यहाँ पे आप ऑप्शन में स्लाइसर के ऊपर क्लिक करने के बाद रिपोर्ट कनेक्शन। ओके, अभी जिसको जिसको मुझे जो जो पिवट टेबल को मुझे रिपोर्ट कनेक्शन करना है वो टेबल सिलेक्ट करो। ओके, मैंने सब जितने भी मेरे पिवट टेबल है इनको सबको कनेक्शन दे दिया है इसका। ओके, जब भी इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा मेरा डेटा जो है वो इंटरेक्टिव हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मेरा डेटा जो है वो चेंज हो रहा है। अभी मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रिपोर्ट कनेक्शन इसको भी हम कनेक्शन दे देंगे। ओके, ये भी हो गया और इसको भी हम कनेक्शन दे देंगे, ये भी हो गया। ओके, सो अभी अपना डेटा जो है वो डेटा यहाँ पे आ गया। देखो अभी मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया लगाया होम प्रोडक्ट गुजरात और वेस्ट रीजन, इसका मैंने क्राइटेरिया लगाने के बाद मेरे सामने यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। इसको मुझे डिजाइन में जाके मुझे यहाँ पे डेटा लेबल चाहिए, मैं आउटसाइड एंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर भी आपको अगर डेटा लेबल चाहिए तो वो भी आप लगा सकते हो। डिजाइन में जाना है, डिजाइन में जाके डेटा लेबल जो है बेस्ट फिट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको हम कॉलर्स देते हैं। ओके, सो अपना कॉलआउट्स यहाँ पे आ गया। अभी देखो मुझे जो साइट का जो ग्रिड लाइंस है ये हटाना है, इसके लिए मैं हेडिंग में व्यू में जाके ग्रिड लाइन हटा दिया है। अभी अपना डेटा जो है वो इंटरेक्टिव हो गया है। इस तरह आप अपना भी डैशबोर्ड जो है वो डैशबोर्ड आप इस तरह बना सकते हो, जैसे चाहिए वैसे आप इसको आप फिल्टर लगा सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप करके देखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करो और कमेंट करके शेयर करो। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए, क्योंकि मैं लाता हूँ हर दिन एक नई ट्रिक्स। ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले वीडियो में नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।